हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम अभय अवस्थी। आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि आज अपनी स्टैटिक वेबसाइट यानी कि HTML CSS JavaScript की वेबसाइट अपने ब्लॉगर पे होस्ट कैसे करें। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, यहां मैंने एक अपना टूल होस्ट किया है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है, ये आ गया डाउनलोड लिंक करने के लिए। इसी तरह आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, करते कैसे हैं, होस्ट कैसे करना है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको एक नया ब्लॉग क्रिएट कर लेना है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये थ्री लाइन में आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है आपको। यहाँ एक नया अपना ब्लॉग, अपने ब्लॉग का कोई सा भी नाम दे दीजिए। मैंने अपना जैसे नाम दे दिया अभय। क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ कोई भी डोमेन अपना रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रख दिया 8888। अब फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स अवेलेबल है। इंटरनेट प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको अपने थीम सेक्शन में आना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको आना है, इधर आपको थीम सेक्शन में आना है और नीचे चल जाके जाके कोई सिंपल थीम लेना है आपको। सबसे पहले ये रहा थीम, सिंपल थीम इनमें से कोई सा भी ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया अप्लाई गॉट इट। अब चलते हैं ऊपर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ अपना मोबाइल सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ अपने डेस्कटॉप में करना है। डेस्कटॉप में कर लेते हैं, सेव हो गया। अब फिर यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे स्विच क्लासिक थीम पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। आप बैकअप भी ले सकते हैं पर मैं विदाउट बैकअप करूँगा फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स हो गया। अब यहाँ एडिट HTML में जाना है फ्रेंड्स। यहाँ आ गए। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिए फ्रेंड्स। ये रहा, इधर ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ से सेलेक्ट टू ऑल करना है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ से कट कर देना है। कट कर दिया ये। अब यहाँ से अपना जो भी थीम हो उसको कॉपी करना है। और फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ मैंने कॉपी कर लिया। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ स्टाइल टैग पे लिखना है। स्टाइल टैग से पूरा CSS जितना कोड होगा CSS का उसको उसका कोड पेस्ट कर देना है। और स्क्रिप्ट टैग में JavaScript का कोड पेस्ट कर देना है फ्रेंड्स। आपका यहाँ ये रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसको सेव करते हैं। फ्रेंड्स सेव हो चुका है। अब चलिए देखते हैं इस पे ब्लॉग। ये देखिए फ्रेंड्स, पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है इसको कैसे हटाना है इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स ये यहाँ पे
यहाँ पे चेंज नैप बार ऑप्शन दिया हुआ है, इसे करना है और इसे ऑफ कर देना है फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स ऑफ हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ख़त्म हट गया है और आपका सक्सेसफुली काम वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपने गूगल ड्राइव के लिंक को CDN लिंक में कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। तो वो वीडियो भी आने वाला है फ्रेंड्स। वो वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।